आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस मुस्कान के साथ। इक्कन कोऑपरेटिव बैंक विजयपुर की ओर से शनिवार को जिला आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के महिलाओं के लिए मुफ्त सिलाई मशीन दिया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए उन्हें उच्च श्रेणी की सिलाई मशीन दिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए सदर मोहसिन गोलेवाले ने कहा कि हर साल इक्कन कोऑपरेटिव बैंक एक समाज सेवा के तौर पर अपने काम करती है और इस साल भी जो महिलाएं सिलाई के काम जानती है उनके सर्वे कर कुल 40 औरतों को सिलाई मशीन देने की बात कही। इस मौके पर इक्कन कोऑपरेटिव बैंक के वाइस प्रेसिडेंट इब्राहिम नालबन, डायरेक्टर मोहम्मद शरीफ एरलकर के अलावा कई और लोग भी शामिल थे। इक्कन कोऑपरेटिव बैंक बीजापुर, इसके इक्कन कोऑपरेटिव बीजापुर इसके वाइस प्रेसिडेंट जनाब इब्राहिम नालबन साहब हैं। मैं सदर मोहसिन अली गोलेवाले, फिर डायरेक्टर हमारे मोहम्मद शरीफ एरोलकर, अब्दुल समद शेख घोड़िया सवार सर हैं, हमारे एस के गौडर सर और हमारे बैंक के जनरल मैनेजर हारून डिग्गी। ये हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तमाम की कोशिशों से तकरीबन 15 साल से हम एक चैरिटी प्रोग्राम हर साल करते आ रहते हैं। इस साल हम तकरीबन 40 औरतों को जो बेवा हैं, जिनके घर में कोई काम करने वाला नहीं है, उनके गरीब बच्चे हैं और वो काम सिलाई का जानते हैं, ऐसे लोगों की सर्वे करके हमारी कमेटी के लोग ऐसे औरतों को, कुल 40 औरतों को इस साल सिलाई मशीन देने का प्रोग्राम रखा गया है। ये बिल्कुल मुफ्त है, ये बैंक के डायरेक्टरों की कोशिशों से जमा किया हुआ 2 लाख रुपया से हम ये मशीनें खरीद कर कल एक प्रोग्राम में हमारे रियासत के सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद मोहसिन साहब और मौलाना महबूब रहमान साहब और जनाब मोहम्मद इकबाल नदाब साहब, ये खुसूसी मेहमानों के मौजूदगी में इन औरतों को तकसीम किया जाएगा। और हम जो सही में मुस्तहक हैं समाज में औरतें, ऐसी औरतों को बैंक की जानिब से मदद पहुंचाना ये हमारा मकसद है। भेड़ बकरी चराने पर गदरिया का गला काट कर किया हत्या। बेलगांव के एक मुत्यानहट्टी गांव के एक जमीन पर भेड़ बकरी चारा चराने के कारण गदियार पर कल्लप्पा नायक के परिवार वालों ने जानलेवा हथियारों से गला काट कर किया हत्या। यह घटना सुबह हुआ है। मृतक सिद्धराम नायक कल्लप्पा नायक के खेत में मवेशियों को चारा चरा रहा था, इसी से फसल की बर्बादी हो रही थी, इसी की वजह से दोनों में अनेक बार झगड़ा हुआ था। बेंगलुरु में डायबिटीज औषध देने का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए लूटने वाले आरोपी राम मूर्ति को हिरासत में लिया गया। परमेश्वर के भाषण के संदर्भ में जय श्री राम का नारा लगा। कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर के भाषण के संदर्भ में एक व्यक्ति जय श्री राम का नारा लगाया। यह घटना विधानसभा में कैंपेगौड़ा की जयंती के मौके पर हुआ। लुटेरे को पुलिस ने पकड़ा। घर में दो वृद्ध को रहते देखकर लुटेरे ने उन पे हथियारों से हमला कर लूटमार किया था। इसे पकड़ने में पुलिस अब कामयाब हुई है। आरोपी 32 साल का श्रीनिवासन जो कि तमिलनाडु का निवासी है और मिली सूत्रों के अनुसार लुटेरे पर तमिलनाडु में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। मृतकों के नाम पर लाखों रुपए कर्ज निकाला। कोप्पाल के दो मृतकों किसानों के नाम पर बैंक मैनेजर की सहायता से दो लोगों ने लूटा लाखों रुपए। उनमें 15,54,000 रुपए मृतक किसान लक्ष्मप्पा ईश्वरप्पा के नाम से 8 लाख रुपए और करटगी तालुका के केरे कातापुर का निवासी परसप्पा के नाम से 7,54,000 रुपयों का कर्ज निकाला है। यह घटना करटगी में स्थित आंध्रा बैंक में हुआ है। इसी विषय में पुलिस मुकदमा दर्ज कर शिवगौड़ा और वीरेश महादेव नामक दो लोगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल गाँव वाले बैंक मैनेजर पर आक्रोश है। चामराजनगर में हुआ बाल विवाह। चामराजनगर के ऊपर पेट में 16 साल की लड़की का विवाह हुआ है। यह घटना पिछड़े वर्ग के कल्याण सचिव सी पुटरंगन शेट्टी के क्षेत्र में पाया गया है। इस विवाह में लड़के की उम्र 24 साल और लड़की की उम्र 16 साल है। विवाह की जानकारी मिलने पर महिला एवं शिशु कल्याण विभाग के अधिकारी पुलिस के साथ आकर दूल्हा महेश के साथ 6 लोगों को हिरासत में लिया और बालिका को बाल मंदिर में भर्ती करवाया। दलित और मुसलमानों पर हो रहे हमलों को किया खंडन।
कर्नाटका के बेलगांव में SDPI यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने दलित और मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों का किया खंडन। पिछले 4 महीनों से कर्नाटक राज्य में दलित और मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं। उन पे सख्त कार्रवाई करने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी को मीडिया के सम्मुख किया निवेदन। जो हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में जो है 56 से ज्यादा लोगों को मारा गया है और कर्नाटक में भी जो है इस तरह के हमले हुए हैं, हमले किए गए हैं। इन चीजों को रोकना बहुत जरूरी है। अगर हुकूमत इन चीजों को नहीं रोकती है तो हिंदुस्तान भर में हम आपस में हिंदुस्तानी लड़ करके अगर मर जाएंगे तो फिर बाहर से दुश्मन को आने की जरूरत नहीं है। फिर ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर हमें लड़ाया जो जा रहा है, ये अगर से RSS ये जो BJP ये जो हिंदू के नाम इस्तेमाल करके जो है पूरे देश भर में जो आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी रिक्वेस्ट है कि हिंदू धर्म का गलत इस्तेमाल करके जो है अगर माइनॉरिटीज के ऊपर, दलितों के ऊपर, ईसाइयों के ऊपर, बुद्धिस्ट के ऊपर इस तरह से हमले किए जाएंगे तो आने वाले दिनों में फिर हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा, हम आपस में लड़ करके मर जाएंगे। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि होश में आओ, लोगों को लड़ाना बंद करो, और अगर ये चीज़ें नहीं बंद हुई तो लोग आपस में लड़ करके ही मरते रह जाएंगे और हिंदुस्तान आगे नहीं आएगा। आज हिंदुस्तान की हालत यह है कि लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, ऐसी बेरोजगारी की हालत में कई औरतों को बेवा किया जा रहा है, कई बच्चों को यतीम किया जा रहा है, मॉब लिंचिंग के नाम पर कभी लहू जहाज के नाम पर मारा जाता है, कभी गौ हत्या के बारे में मारा जाता है, और कभी जो है किसी लड़की के नाम पर लेकर के छुरी का नाम लेकर के मारा जाता है। इस तरह के पूरे हिंदुस्तान में जो घटनाएं हो रहे हैं ये सोची समझी साजिशें हैं, ये बड़ी बड़ी संगठनाएं बैठ करके प्लानिंग कर रही हैं और नौजवानों को तैयार कर रही हैं लोगों को एक एक इंसान को पकड़ करके मारने के लिए। तो इन चीज़ों को हमारी रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट से कि ऐसे लोगों को, ऐसा करने वालों को पुलिस अरेस्ट करे। चिकबल्लापुर में टेम्पो और ऑटो के बीच हुई टक्कर। चिकबल्लापुर जिला के चिंतामणी कोतेवाली थाना मैदाहल्ली गेट पर गुरुवार को ऑटो और टेम्पो में आमने सामने हुई टक्कर। इसी दुर्घटना में ऑटो सवार 2 यात्रियों की मौके पर हुई मौत, जबकि 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। यह घटना तब घटी जब देर रात ऑटो चालक और अनवर पाशा और उनके दोस्त मधुवन, रवि और बाबा कोलार से चिंतामणी तालुका आ रहे थे। तेज रफ्तार से आई टेम्पो जब ऑटो से जा टकराई, मौके पर ही ऑटो चालक अनवर पाशा और सवार मधुवन की हुई मौत। गंभीर रूप से घायल हुए रवि और बाबा को इलाज के लिए कोलार के अस्पताल में भर्ती किया गया। सूत्रों के हिसाब से उनकी हालत भी चिंताजनक बताई जा रही है। फिलहाल ये मामला अब ग्रामांतर पुलिस थाने में केस दर्ज हुआ है। विजयपुर में मुबलाइचिंग का किया विरोध प्रदर्शन। आज विजयपुर में MMC यानी मुस्लिम मुत्तहिदा काउंसिल की ओर से मुबलाइचिंग का किया खंडन। MMC के अध्यक्ष मौलाना तनवीर पीर हाशमी जी ने विजयपुर के प्रभारी जिला अधिकारी की ओर से राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को याचिका किया। मौलाना तनवीर पीर हाशमी जी ने कहा कि देश में अमन और शांति हो, और कुछ दिन पहले मुबलाइचिंग के नाम पर झारखंड के तब्रेज नाम लड़के को बेरहमी से कत्ल किया था। इनके हथियारों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए मीडिया के सम्मुख याचिका किया, और इनके बाद विजयपुर शहर के कांग्रेस नेता हामिद मुशरिफ ने कहा कि तब्रेज के हथियारों को फांसी की सजा देनी चाहिए। तब्रेज अंसारी को पीट पीट को मारे हैं, ये श्री राम बोलो कर को उनका धर्म उन्होंने बोल लेना, अब हमारा धर्म में हमें बोल लेते हैं, वैसा मारना हो किसे भी मारना गलत है। कौन सी भी जात रंधे, कौन भी रंधे, कौन भी करे तो ये गुनाह है, उसे मारे उस वाले को फांसी देना, उसे फांसी की सजा देना, देख को उसे लटका को 8 दिन ठहरा कर को उसे बाद में देना डेड बॉडी, और एक बार ऐसा कौन भी नहीं करना, ऐसा करे कर को बताए का तो और एक बार सरकारी करना है, फांसी देना मैजिस्ट्रेट मिला को केस कर को सब कत्याजना आरोपी बना को फांसी की सजा देना। सलाम अलैकुम। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने मचाई हलचल। चिंतामणी तालुका के बुर्गमक्कल हल्ली के पास ज्योति अंग्रेजी मध्यम विद्यालय में अध्यापकों ने एक छात्र से दूसरे छात्र को जूते से पिटवाया। पिटवाने के कारण पूछने आए अभिभावकों पर प्रधानाचार्य हावी हो गए, और इसके बाद वो सभी अभिभावकों तुरंत विद्यालय आने के लिए मैसेज भेजा। जब सभी अभिभावक विद्यालय आकर मैसेज का कारण पूछा तो प्रधानाचार्य उन पर भी हावी हो गए। इसके चलते सभी अभिभावक रास्ता रोक कर प्रदर्शन किया। उस वक्त मौके पर DYSP स्थल पर पहुंचकर अभिभावक की शिकायत सुन ली। अभिभावक का कहना है कि बेवजह मैसेज कर बुलाने पर प्रधानाचार्य से माफी मंगवाने जा रहे DYSP को भी प्रधानाचार्य रास्ता रोका था। अंत में प्रधानाचार्य के एक और मैसेज के बाद अभिभावक हड़ताल रोक कर वे सभी अपने अपने घर चले गए। प्रधानाचार्य से ऐसा व्यवहार क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये चर्चा का विषय बन गया है।
गुलबर्गा में दिन दहाड़े हुए चोरी। गुलबर्गा शहर के यदुल्ला गली के घर में हुई चोरी। यह घटना सुबह लगभग 6 बजे के भीतर हुई। चोरों ने घर का ताला तोड़कर कीमती वस्तुओं और लगभग 40,000 रुपयों को चोरी किया। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया और घर वालों ने पुलिस से निवेदन किया कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़कर उन्हें सजा दिया जाए। आज सुबह यदुल्ला कॉलोनी में ठीक 7-8 बजे के वक्त के दौरान हमारे मकान में चोरी हुई है और जो है गेट तोड़े हैं और अंदर के 2 दरवाजे भी तोड़े हैं और अलमारी पूरी तोड़ के कपड़े वगैरह तितर बितर करके थोड़े बहुत 30-35,000 रुपये भी चले गए हैं और भी अंदर जो किचन में भगोने वगैरह देखचा वगैरह था वो भी चले गए हुए हैं और एक कूलर भी था वो भी चले गए हैं। मैं अजमन पुलिस से गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द एक्शन ले और चोरों को पकड़े। और खबरों के लिए बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।